नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश, आपका स्वागत है दीक्षा सेंटर यूट्यूब चैनल पर। देखो, जो हम लोग सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे, जो भी सक्सेसफुल बने हैं कोई भी एग्ज़ाम में, तो वो भले कोई भी एग्ज़ाम है, तो वो सीरीज़ चल रहा है। तो उसमें हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो हम लोग ये सिर्फ सीरीज़ चला रहे हैं आपको इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, सो दैट आप रियल स्टोरी जान पाए। तो सभी बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर, उन्होंने अपना जो है स्टोरी मुझे भेजा है। तो आज हम लोग कवर करेंगे आशुतोष नारायण जी का। तो ये पूरा उन्होंने मुझे भेजा है ये स्टोरी, तो मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। तो इससे पहले जो है दीपक कुमार जी का अपलोडेड है, ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो कैसे भी मिस कर गया तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन से आप जाके वीडियो देख लीजिए, बहुत ही आपको इंस्पिरेशन मिलेगा। क्योंकि हम लोग बहुत सोचते हैं, हम लोग का तो बहुत ही जो खुद का प्रॉब्लम होता है या जो होता है कोई भी टफ़ टाइम आता है, तो आप सोचते हैं अरे भाई मेरा ही तो सबसे जो है टफ़ सिचुएशन है, शायद मेरे जैसा और कुछ नहीं है। लेकिन आप जब ये सब स्टोरी पढ़ोगे, आप देखोगे अरे मेरा तो प्रॉब्लम बहुत ही छोटा था, तो मैंने क्यों नहीं किया। तो इससे आपको जो है ताकत मिलेगा, आप अपना पढ़ाई कर सकोगे, उसी लिए ये सीरीज़ है और कुछ नहीं है। तो चलो आज देखते हैं आशुतोष जी का। तो आशुतोष जी जो है मुजफ्फरपुर बिहार से बिलोंग करते हैं। वो MTS 2016 में उनका सिलेक्शन हुआ है, उनका रैंक 2318 है, रोल नंबर भी दिया हुआ है इनका, देख सकते हैं। उनका जो है सिलेक्शन प्रिंसिपल कंट्रोलर डिफेंस में हुआ है, पेंशन जो इलाहाबाद में है। और वो झारखंड सब इंस्पेक्टर का भी जो है वेट कर रहे हैं, और वो आशा करते हैं डेफिनेटली वो भी क्लियर हो जाएगा। हम भी विश करते हैं ज़रूर आपका आशुतोष जी ज़रूर क्लियर हो जाए। तो वो अपना स्टोरी जो है वो बता रहे हैं, जुलाई 2015 से उन्होंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया। मुजफ्फरपुर मुझे जितना पता है उतना बड़ा आप जो है बिहार के हैं, उतना प्रॉस्पेक्टस नहीं है सब कुछ चीज़ का। पटना जितना आपको मिल जाएगा मुजफ्फरपुर में, उतने ये नहीं है आपको सोर्सेज नहीं है। तो उन्होंने बैंकिंग का पढ़ाई स्टार्ट किया। सबसे पहले उन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज। फिर उन्होंने कुछ एग्ज़ाम्स दिए, जो एक उन्होंने लिस्ट भेजा मुझे जहाँ पर उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। देखो ये मैं आपको अच्छे से बोल रहा हूँ, ये ज़रूर देखो, क्योंकि आप इससे समझ, क्योंकि बहुत सारे मैंने देखा हुआ, मेरे स्टूडेंट्स बोलो या मैंने सब्सक्राइबर, सर मेरा ये एग्ज़ाम नहीं हुआ, ये एग्ज़ाम नहीं हुआ तो मैं छोड़ रहा हूँ। तो बहुत सारे जो है छोड़ देते हैं, एक दो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है पूरा प्रिपरेशन ही छोड़ देते हैं। लेकिन उनको ये सीख लेना पड़ेगा कितना कोई भी, जैसे मैंने आपको हमेशा कहा, मैंने अराउंड 24-25 एग्ज़ाम फेल करने के बाद ही जो है मेरा सिलेक्शन स्टार्ट हुआ था। तो इनका भी देखो, इन्होंने एक पूरा लिस्ट दिया है जहाँ पे उन्होंने IBPS PO क्लर्क नवंबर 2015 में पहला एग्ज़ाम उन्होंने दिया था स्टार्ट करने के बाद ही। अब जुलाई में उन्होंने स्टार्ट किया, तो तीन चार महीने बाद ही उन्होंने एग्ज़ाम दिया। तो उनका बोध एग्ज़ाम प्री भी नहीं क्लियर हुआ, ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ था इंग्लिश में, तो उनका प्री भी नहीं क्लियर हुआ। फिर CGL CHSL 2015 दिए, प्री नहीं क्लियर कर पाए, ठीक है। उसके बाद SBI PO क्लर्क मई जून दिए, क्लियर सेक्शनल कट ऑफ, लेकिन ओवरऑल कट ऑफ में रह गए, ठीक है। मतलब पहले बार में क्या था, सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं क्लियर कर पाए थे, बट इस बार सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर पाए, लेकिन ओवरऑल में कुछ नंबर के लिए रह गए। उसके बाद उन्होंने RRB क्लर्क PO अक्टूबर 2016 दिया, प्री नॉट क्लियर, फिर भी प्री नहीं क्लियर। मतलब सोच रहे, दो साल से बंदा जो है प्री ही नहीं क्लियर कर पा रहा है। उसके बाद डेडिकेशन देखो थोड़ा सा। उसके बाद उन्होंने फिर PO क्लर्क नवंबर 2016 दिए, फिर क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ नहीं हुआ पाया इंग्लिश का, ठीक है। उसके बाद फिर CGL CHSL 2016 दिए, इसमें भी उनका प्री नहीं क्लियर हो पाया। फिर उनको देखो क्यों, क्या होता है ना, आप अगर प्री भी नहीं क्लियर कर पाते हो तो आपको बहुत ही लगता है यार प्री नहीं क्लियर हो रहा है तो मेंस तो छोड़ ही दो, तो ये लगता है। तो उन्होंने भी, उनको भी नॉर्मल सा था, उन्होंने सोचा चलो गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। फिर उन्होंने बिहार SSC एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हुआ, उन्होंने दिसंबर 2016 में, फिर आपका SSC MTS रिक्रूटमेंट का आया, उन्होंने फॉर्म फिलअप करके प्रिपरेशन स्टार्ट किया, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शंस भी नहीं था, क्योंकि कोई उस टाइम कोई एग्ज़ाम, बैंक का एग्ज़ाम भी नहीं था PGDF छोड़ के। फिर उन्होंने बिहार SSC एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका था, MTS भी कैंसिल हो चुका था, हम लोग को पता है, क्योंकि ऑफलाइन जो था वो कैंसिल हो चुका था। फिर उन्होंने बहुत परिश्रम करने के बाद भी हार्डवर्क, तो उनको एक पता था चलो हाँ हार्डवर्क कभी नहीं जाता है, ठीक है, तो उन्होंने प्रिपरेशन अपना जारी रखा। तो उसके बाद देखो क्लियर का उन्होंने जो है क्या क्या दिया है, झारखंड सब इंस्पेक्टर का उनका नोटिफिकेशन है, वो प्रिपेयर करते रहे।
कुछ सेक्शन में उनको लगा वो बहुत वीक है, उन्होंने फिर एग्ज़ाम 2017 में दिया, प्री क्लियर हो गया, बहुत अच्छे मार्क्स थे मेंस में भी और फिजिकल भी, ठीक है। उसके बाद एमटीएस टायर वन हुआ, क्लियर 132.5। अच्छा चलो मेरा चैनल देखा, थैंक यू फॉर टायर टू, जो उनको बहुत हेल्प हुआ, तो क्योंकि उन्होंने पहले कभी डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम नहीं दिया था, चलो कुछ फ़ायदा हुआ आपको। स्ट्रगल टाइम में देखो वो सेल्फ अर्नर थे, सेल्फ लर्नर थे, घर में ही पढ़ते थे, क्योंकि ये सभी को मैंने आपने बोला कि मुजफ्फरपुर में उतने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, फिर पैसा नहीं अफोर्ड कर पाता है। फ्रॉम 2013 से वो पढ़ाते हैं खुद, ट्यूटर हैं वो, 3,000 अराउंड कमा लेते हैं, और क्योंकि एक टाउन में, मुजफ्फरपुर एक टाउन है, उसमें 3,000 में तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है, तो उनको ये 3,000 में एनी हाउ उनको चलाना पड़ता था, लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। 16 में पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनल एग्ज़ाम फाइनल डे में उनका लैपटॉप मोबाइल सभी जो चीज़ें वो चोरी हो गया, तो ऑब्वियसली आप सोच रहे हो अपना हार्ड एंड मनी से आप अगर कुछ खरीदते हो वो अगर चोरी होता है तो ऑब्वियसली उनको थोड़ा डिप्रेशन लगा। उसके बाद वो 16-17 में उनका बहन जो है, सिस्टर जो है, उनको कुछ क्रॉनिक डिजीज़ है, तो वो अभी भी उनका चल रहा है, तो विल प्रे आपका जो सिस्टर बहुत जल्दी ठीक हो जाए, ज़रूर ठीक हो जाएंगे, डेफिनेटली हम लोग भी प्रे करते हैं। आशुतोष जी कोई टेंशन मत लो, अगर कभी भी कुछ लगे प्रॉब्लम तो ज़रूर बताना। उसके बाद वर्किंग तो खुद ही है, ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ऑब्वियसली यार बहुत बड़ी बात है, बहन का आए तो वो आता है। उसके बाद टफ हो जाता है, क्योंकि आप ट्रीटमेंट कराने के लिए आपको जॉब ज़रूर चाहिए, जॉब आपको मिल भी गया है, उनका ड्रीम है ऑफिसर बनना, बहुत अच्छा। मोटिवेशन उनको कहाँ से मिला, वो हार्डवर्क करते थे दिन रात, उसके बाद कभी छोड़े नहीं। फॉर्चून कैन ऑल्सो नॉट, एकदम डेफिनेटली फॉर्चून कैन नेवर ऑल्सो नॉट बीट यू, एकदम डेफिनेटली, इफ़ यू विल वर्क हार्ड देन डेफिनेटली विल गेट रिवॉर्ड, ये तो एकदम, अगर आप हार्ड वर्क, तो मेरा टैगलाइन भी है, वर्क हार्ड गेट रिवॉर्ड। तो चलो थैंक यू, थैंक यू, आप बहुत ही अच्छा, ज़रूर आपका जो भी ड्रीम है आप ज़रूर फुलफिल करोगे, आपके सिस्टर भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, तो हमारे गुड विशेस हैं। तो सभी जो भी दर्शक हैं, ये जो देखे रहे हैं, सब्सक्राइबर हैं, सभी से हैं, देखो कोई भी एग्ज़ाम मेन इनसे, इनके स्टोरी से अगर आपका निकल आता है तो हार्डवर्क कभी भी आपका नहीं जाता है। वो बंदा 2015 से लेकर 2018 तक इतने एग्ज़ाम जो प्री भी नहीं क्लियर कर पा रहे थे, उसमें उनका जो है फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो कभी गिव अप मत करो, दो तीन एग्ज़ाम फेल हो जाओ, लेकिन गिव अप कभी मत करो, डेफिनेटली आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। तो चलो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर अच्छे लगे तो ज़रूर सभी से शेयर करना, सभी को वीडियो देना, क्योंकि ये इंस्पायरिंग स्टोरीज़ हैं जो सभी को काम आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।